नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइज हम लोग आए हुए हैं एडमिंटन के वाइट एव एरिया के पास। आज आपको दिखाएंगे स्टूडेंट अकोमोडेशन एडमिंटन में। आज आपको लेकर चलेंगे गाइज दीपांकर के घर। और जिन लोगों ने दीपांकर के पहले अपार्टमेंट टूर नहीं देखा वो ऊपर जाके क्लिक कर सकता है। आज जो दीपांकर का टूर दिखाएंगे वो है 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो चलो अब चलते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन यहाँ पर एडमिंटन की देखने के लिए। सो गाइज, यहाँ दीपांकर ने ऊपर से बजर से गेट ओपन कर दिया था। ये इनके सारे मेल बॉक्स लगे हुए हैं और अब चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर है गाइज ये अपार्टमेंट। तो ये बहुत ही शांत लॉबी एरिया है और यहाँ पूरा कारपेट लगा हुआ है। तो गाइज अब चलते हैं दीपांकर के घर। अरे और भैया, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बताना क्या गाइस, देखो ये अपने पुरानी वीडियो के सुपरस्टार दीपांकर, क्योंकि पहली वीडियो में आप लोगों ने इतना पसंद किया तो हमने कहा कि भाई ने दूसरा घर लिया है तो इसका हाउस टूर दिखाते हैं आपको कि स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसी है। तो कैसे हो पहले ये बताओ। बस अच्छा हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे? बस बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। चल रही है ना यहाँ? बस। और कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल? पूरे 2 साल हो गए जी। तो चलो भैया, हमारी ऑडियंस को दिखाओ अपना दूसरा घर। चलो भैया आओ। तो कहाँ से? किचन से शुरू करते हैं। किचन से करते हैं। देखो ये यूटेंसिल्स हैं जो कॉमन है, मतलब वैसे तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जो मेन में यूज करते हैं जैसे प्लेट्स हो गया, कटोरी हो गई है ना, जिसमें खाना बनाते हैं वो हो गया, और दूध वाला हो गया। तो खाना घर से बन रहा है, बाहर से जा रहा है, क्या हो रहा है? खाना आजकल तो बाहर से ही आ रहा है। आजकल बहुत थोड़ा बिजी स्केड्यूल है गाइस। देख लो दीपांकर बिगड़ गया। फर्स्ट वीडियो में बोला था कि खाना हम घर पे ही बनाते हैं, और उस वीडियो की बात है और आज की बात है। अब भाई बोल रहा है कि खाना बाहर से आ रहा है। सो देख लो, अब करेंगे धीरे धीरे, आते हैं दोबारा पुराने रूटीन पे। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, थोड़ा भी बनाओ बनाओ कुछ, कभी खिलाओ हमें भी। आओ पनीर बनाए, कल ही बनाया था, आओ दिखाते हैं। चलो और चलते हैं फिर आगे गाइस। तो ये दीपांकर का नया घर है। कितने बेडरूम है इस घर में? 2 बेडरूम है भैया। अच्छा, 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम है। तो ये लिविंग, ये वाला बड़ा घर है पहले वाले से? हाँ जी, पहले वाले से बड़ा है। अच्छा, तो ये हो गई किचन गाइस। यहाँ पे ये हो गए सारे क्लोजेट्स हो गए। अभी इसमें कुछ रखना है ना, और काफी स्पेशियस है ये कम्पेयर टू लास्ट टाइम, काफी स्पेशियस है। ये मसाले हो गए ना, ये हमारे कॉर्नफ्लेक्स हो गए, ये सारा फ्रोजन स्टफ हो गया फ्रिज में, सब सामान रखा हुआ है। और ये सारा कोट क्लोजेट वगैरह की जगह, इसमें वो हमारा हो गया क्लीनिंग, वो मतलब वॉशिंग डिटर्जेंट, क्लोथ वॉशिंग डिटर्जेंट हो गया, हमारे पेपर टॉवल हो गए और शूज हो गए। अच्छा, तो ग्रोसरी हफ्ते में एक बार आती है या ज्यादा? ग्रोसरी भैया जैसे एक बार आती है। अच्छा, एक बार दो बार मैक्स, एक या दो बार? हाँ जी, मैनेज हो जाता। चलो अब देखते हैं लिविंग रूम गाइस। ये टीवी है क्योंकि अब आ रहा है IPL। अच्छा। अब आ रहा है वर्ल्ड कप, तो मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूँ इन सब चीजों का, तो टीवी लेके स्पेशल हम। ओह ये बढ़िया है। और टेबल भी लेके टीवी को रखने के लिए। तो कहाँ से खरीदी टेबल और वो? ये भैया मैंने ऑनलाइन ही देखी थी। ऑनलाइन ही देखी थी मैंने दोनों। अच्छा, तो ये पूरा लिविंग रूम राइट? हाँ जी, ये लैंप वगैरह होगी, ये वो हो गया हमारा मैट्रेस होगी, ये साइकिल भी है, बाइकिंग करने भी चले जाते हैं कभी कभी। सर गाइस देख लो, फिटनेस का शौक पूरा एकदम दीपांकर को। शौक तो पूरा है लेकिन वही है, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वाला लिविंग रूम काफी बड़ा लगा। हाँ ये काफी, उससे काफी बड़ा है। और मंथली रेंट कितना है इसका? मंथली रेंट पूरे अपार्टमेंट का 925 है विदाउट यूटिलिटीज। अच्छा, कुछ भी यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, तो और ये ढूंढा कैसे वाला अपार्टमेंट? ये ढूंढा मैंने की जीजी मार्केट प्लेस, और अपने फ्रेंड्स को मैंने बोला था जो रहते हैं मतलब आसपास, और मैंने ना से राउंड लगाया था, आपको पता है व्हाइट एवेन्यू रहता हूँ मैं पिछली बार, तो मैंने राउंड लगाया था पूरे व्हाइट एवेन्यू का, तो यहाँ यहाँ वैकेंसी थी ना वहाँ कॉल किया था। अच्छा। बाहर होता है, इन्होंने बाहर लिखा था वैकेंसी है, तो मैंने कॉल किया था इनको। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से कितना दूर है यहाँ से? ये बस में 10 मिनट्स है, 10 to 12 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स बस में। तो गाइज, जितने लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, तो दीपांकर ने जो भी वेबसाइट्स बोली हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वेबसाइट्स पे जाकर आप अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन देख सकते हो। तो चलो आप कंटिन्यू करते हैं बाकी का टूर।
तो ये शेयरिंग पे है या कैसे है? जी शेयरिंग पे है, दो स्टूडेंट्स हैं हम, एक मैं एक और है। अच्छा तो दो लोग हैं, चलो बाकी का देखते हैं फिर घर। जी आओ। तो ये एक रूम है, इसमें मेरा फ्रेंड है, आई थिंक जगीरा होगा। हाय। सो गाइस ये फर्स्ट दीपांकर का रूममेट है, अभी भाई पढ़ाई कर रहा है सो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये मेरा रूम है। हाँ वो तो मेरा थोड़ा मैसी रहता है लेकिन नहीं नहीं सब कुछ है मेरे रूम में, खाने का ये देखो हनुमान चालीसा भी है, भगवान को भी मानते हैं। अरे बाबा क्या मेरे को विंटर जैकेट्स हैं देखो पहनूंगा नहीं मैं पांच पांच अच्छा हाँ और पीछे थोड़ा वो है, पीछे लैंप्स हैं ये दो, ये चलो लाइट तो, और ये पीछे अच्छा व्यू, ये पीछे अच्छा व्यू है पार्किंग का। जी सो पार्किंग इस अपार्टमेंट में इंक्लूडेड है या नहीं है? इंक्लूडेड है भैया, एक पार्किंग इंक्लूडेड है, एक पार्किंग इंक्लूडेड है। तो गाइस देख लो अब अपग्रेड हो गया, पहले दीपांकर फर्स्ट हाउस में लिविंग रूम में था और अब पूरा बड़ा बेडरूम रूम में आ गए, अब अलग रूम। लेकिन मैं लिविंग रूम में भी इतना ही पे करता था, इससे ज्यादा ही पे करता था। अपग्रेड अपग्रेड नहीं डिग्रेड ही हुआ हूं इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे नहीं बढ़िया ना, पैसे तो जितने बचाओ उतना बढ़िया। तो ये सामने वॉशरूम, ये वॉशरूम है भैया, तो वॉशरूम है ये। सो ये एक फुल बाथ है गाइस यहाँ पर, और ये साइड ये स्टोर है भैया, ये स्टोर काफी स्पेशियस है इस पर। अरे वाह, इसमें हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह ना सर्दियों के सारे, और जो सामान इतना मतलब कॉमनली यूज नहीं करते वो यहाँ सारा स्टैक कर देते हैं। ओ ये बढ़िया है। सो गाइज ये था पूरा दीपांकर का टू बेडरूम हाउस टूर। अब थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि दीपांकर अभी भी स्टूडेंट है, फुल टाइम स्टूडेंट है यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में एडमिंटन में। तो पहले आपको बताते हैं कि इस टू बेडरूम अपार्टमेंट का क्या ब्रेकडाउन है तो लिविंग एक्सपेंसेस का। तो दीपांकर पहले ये बताओ कि यार मंथली, दोबारा जैसे हमने बताया, इसका मंथली रेंट कितना है और थोड़ा बहुत यूटिलिटीज का बताओ कि कैसा है यहाँ पे। ठीक है भैया, इसका जो मंथली रेंट है, जैसे ये टू बेडरूम है तो $925 है, प्लस हमारा वाईफाई का $60 है। अच्छा, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है और हीट है उसका $70 है। तो अगर इसको मैं समराइज करूं सारा, 925 प्लस 130 तो ये हो गया 1055। अच्छा, 1055 डॉलर्स हमें पड़ गया, तो पर पर्सन हमें पड़ गया 525.75। और गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है कि आप ऐसे टू बेडरूम में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक साथ रह सकते हो, तो अगर दीपांकर इस घर में अगर कितने मैक्सिमम स्टूडेंट रह सकते हैं? रहने को तो भैया ऐसे लीस में कुछ मेंशन नहीं होता कि एक रहे, दो रहे, तीन रहे, क्योंकि लीस एक बंदे पे नाम पे भी अपार्टमेंट मिल जाता है, क्योंकि ओनर को पैसे से मतलब है। राइट राइट, जो ओनर है उसको पैसे, आप तीन बंदे रहो, आप छह रहो, पर मेरे हिसाब से एफिशिएंट वही होगा कि चार बंदे, चार तीन। ओके, क्योंकि बाद में खाना भी बनाना है। राइट, फिर खाने का इशू होगा कि हाँ दो बंदे रह गए, फिर खाने का भी इशू होगा, फिर बाद में पढ़ना भी है, ऐसा तो है नहीं कि बस मस्ती करने आए हैं, पढ़ना भी है, तो पढ़ने के लिए एक पीसफुल सराउंडिंग चाहिए। राइट, तो चार बहुत है, जैसे एक लिविंग रूम में, दो जाने रूम में, एक सिंगल रूम शेयर में, वैसे चार से ज्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं। सो ऑन एन एवरेज तीन से चार मैक्सिमम रहते हैं। उसमें आपको पर पर्सन जैसे 250 पड़ जाएगा, इससे चीप तो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। एग्जैक्टली, सो गाइस 300 के अराउंड, एंड प्लस अगर आपके खुद के एक्सपेंसेस कैसे हैं, आप कितना बाहर का खाते हैं और आप खुद बाहर कितना जा रहे हो, लेकिन दीपांकर बहुत ही ने अच्छे से समराइज किया कि ओवरऑल कितना रहता है। प्लस अब ये ऑलरेडी 2 साल से हैं तो इनको एक्सपीरियंस है कि अपना दीपांकर हमारे ही फर्स्ट वीडियो के बाद लोगों ने पूछा था कि फंडिंग का कैसे होता है अगर आप मास्टर्स में आते हो, तो थोड़ा सा यार ये बताओ कि फंडिंग का कैसे करें। फंडिंग कैसे ऐसे भैया, दो मास्टर्स होती हैं। राइट, एक कोर्स बेस्ड, एक थीसिस बेस्ड। हाँ जी, कोर्स बेस्ड में कोई फंडिंग नहीं होती। ओके, आपको सिंपल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एक SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिज्यूमे। ओके, और फिर आप अप्लाई करते हो, $100 एप्लीकेशन फी होती है, फिर वो आपका डिसीजन 3-4 महीने में देते हैं। हाँ, और दो इनटेक होती है हमारी हर ईयर में, एक सितंबर फॉल इनटेक, एक जनवरी विंटर इनटेक। ओके, ठीक है, ये कोर्स बेस्ड का हो गया, तो इसमें आपको पे करने पड़ते हैं। right. और एवरेज फीस अराउंड अब है $15,000 से $20,000 नाउ साल की, पूरे कोर्स की, पूरे कोर्स की $15,000 से $20,000 फी है।
ओके मास्टर्स की अभी कुछ इंक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ तभी मैं 15 से 20 कह रहा हूं क्योंकि अच्छा। मैं प्रॉपर वो नहीं हूं यूज्ड टू नहीं हूं वो तो वेबसाइट पे लोग स्टूडेंट्स प्रॉपर उन्होंने कन्वे किया है कि कितना इंक्रीज हुआ है मेरे वक्त 13-14,000 थी जब मैं आया था जो मेरे मतलब पीयर्स आए हैं अब 20,000 हो गया अराउंड ओके और ये एक्सक्लूडिंग गाइस मंथली एक्सपेंसेस राइट ओनली ट्यूशन फी ओनली ट्यूशन फी लाइक दैट यू पे टू यूनिवर्सिटी ओके और अगर मैं थीसिस बेस की बात करूं तो उसमें आपकी फी होती है right. लेकिन आपको स्कॉलरशिप जो मिलती है ना फंडिंग उसके अमाउंट फीस से ज्यादा होती है ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बता देता हूँ रफ आइडिया जैसे मेरी फी $10,000 है ओके मेरी स्कॉलरशिप अराउंड $17,000 है $17,000-$18,000 है राइट तो जो अगर मैं 17-18,000 ये पर ईयर बता रहा हूँ मैं ओके अगर मैं डिडक्ट करूँ 18,000-10,000 तो ये मुझे वो यूनिवर्सिटी ओव करती है तो मुझे पर मंथ वो सेंड कर देती है उस हिसाब से बैलेंस तो थीसिस बेस में इनडायरेक्टली आपको पैसे मिलते हैं ओके तो जितना आप अर्न प्लस आपको उसमें फिर रिसर्च और आपको काम करना पर यू हैव टू स्पेंड टाइम लाइक राइट तो आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते उसमें बहुत कम बहुत रेयरली आपको एकदम एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है कुछ नया नोबल कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है देन ओनली यू सक्सीड राइट अदरवाइज वो निकाल भी देते हैं ऐसा नहीं है कि रख लिया तो दे कांट फायर यू दे एक्सपेक्ट यू टू डू अ वर्क इफ यू आर नॉट डूइंग अप टू अ मार्क देन दे विल रिमूव यू अच्छा सो गाइज देख लो क्योंकि एक्सपीरियंस स्टूडेंट बात कर रहा है सो आई होप ये पॉइंटर्स आपको सारे यूजफुल लगे होंगे अगर आपको इस वीडियो के लिए प्लस दीपांकर के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना आई होप आपको हमारा ये अगेन दीपांकर जो हमारी वीडियो में सेकेंड टाइम आए हैं उसका हाउस टूर पसंद आया होगा अगर अभी तक आपने फर्स्ट हाउस टूर नहीं देखा ऊपर जाकर आप क्लिक कर सकते हो फर्स्ट हाउस टूर के लिए आई होप आपको ये वीडियो अगेन बहुत पसंद आई होगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब करो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए कुछ एसओपी में कुछ रिज्यूमे में मैं जरूर हेल्प करूंगा लेकिन भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो यार तो दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं तो प्लीज यार दिल से कह रहा हूं हार्ड वर्क तो गाइस ये लोग कर रहे हैं हम तो बस इन्हें दिखा रहे हैं चैनल पे आपको वीडियो दिख रही है लेकिन वीडियो के पीछे सारी फॉर्मुलेशन है सारी एस्टेब्लिशमेंट्स है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं भैया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल देख रहे हो कितनी तारीफ कर रहा है लड़का थैंक यू गाइस विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग नमस्ते टेक केयर गाइस बाय